बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की नीज अलीज़ अग्निहोत्री की बॉलीवुड में पहली फिल्म फर्रे 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की कल रात मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हुए। कियारा अडवाणी, सोनम कपूर, सनी देओल से लेके कई बड़े सितारे इस पार्टी में पहुंचे थे। वहीं सुपरस्टार सलमान खान ने भी इस अवसर पर स्टाइलिश एंट्री मारी और अपने लुक से सभी का दिल जीत लिया। 22 नवंबर को बॉलीवुड स्टार फर्रे की एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए एक साथ आए सारे सितारों में सलमान खान ने लाइमलाइट छीन ली। सुपरस्टार इस इवेंट में अपनी नीज अलीज़ अग्निहोत्री के सपोर्ट में आए। सलमान ने कैजुअली लेकिन सहजता से स्टाइलिश पहनावा, एक टी शर्ट और जीन्स अपने सिग्नेचर ब्रेसलेट के साथ अपने लुक को पूरा किया। राशा थडानी फिल्म की स्क्रीनिंग पर डीप नेक ड्रेस पहनकर पहुंची थी। वहीं गौरी खान के लुक ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। गौरी खान अपने साथ एक पर्स भी कैरी करती नजर आई। तो वहीं कटरीना कैफ भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर वन पीस पहन के पहुंची थी। कटरीना कैफ का ये लुक फैंस को काफी पसंद आया है। पूजा हेगड़े का ये लुक आते ही सोशल मीडिया पे छा गया। पूजा हेगड़े ने इस लुक की ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तो वहीं जैकी श्रॉफ इस इवेंट पे अपने हाथ में एक छोटा सा पौधा लिए हुए दिखाई दिए। जैकी श्रॉफ की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। वहीं बात करी जाए सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ एक्ट्रेस कियारा अडवाणी, इस इवेंट के दौरान जीन्स के साथ एक प्यारा सा टॉप पहने दिखाई दी। कियारा अडवाणी के लुक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं रवीना टंडन इस इवेंट के दौरान ब्लैक ड्रेस में नजर आई। रवीना टंडन के इस लुक से फैंस दीवाने हो गए हैं। वहीं बात की जाए आयुष्मान शर्मा की, तो वो इस इवेंट में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। आयुष शर्मा और अर्पिता को साथ देख फैंस काफी खुश नजर आए। वहीं बात की जाए सुनील शेट्टी की, तो वो इस इवेंट में कूल लुक में दिखाई दिए। सुनील शेट्टी के इस लुक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं।